काहो थक्कड़ बाबू, चुपके चुपके सीधे ऊपर। ला भैया एक सिगरेट पिला दो। राकेश बाबू, सिगरेट मांगकर हमको शर्मिंदा ना करो। पूरे 55 रुपए, 55 नए पैसे का आंकड़ा हो चुका, अब उधार पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो। ये बजरंग बली, कोई बड़ा हाथ मारा। बाकी एडवांस अब तो सिगरेट पिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे कहाँ नहीं सिगरेट। एकदम असली रही राकेश बाबू, असली गोल्ड फ्लैक। चंदर आया था अभी कहाँ, वो तो आधी रात को आएगा दोस्तों के संग। पूरे 4 महीने का किराया चढ़ चुका है। अच्छा, आज तो मैनेजर साहब ने सामान फेंक ही दिया था समझो। अच्छा ऐसा करो, चंदर आएगा तो उसे ये दे देना। राकेश बाबू, ये तो रोज रोज की बात, माधव अपनी बिटिया को पीट रहा है। शराब के नशे में आप बच्चों का हाथ खा रहे हैं, इन बिचारों का क्या दोष है? इनके लिए तो मुझे कमाना पड़ता है, ये दोनों नहीं होते तो मैं कहीं भी मार खप जाता। मेहनत कहीं की, घर की चीजें गिर भी अच्छा अनाज लाती। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी शराब और सट्टे के लिए बाजार में बैठ जाए? कोई नहीं, मेरी बेटी बाजार में शराबी ज्वारी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तुझे जान से मार डालूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा। घर में अनाज नहीं था इसलिए मैंने ये पतीला के भी रखा। साल भर से किराया नहीं दिया है, कल सुबह तक अगर किराए का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मकान खाली करना पड़ेगा। घबराओ नहीं बहनों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा दुख तो बांट नहीं सका मगर आज मार में तो हिस्सा मिल गया ना। मुझे बहुत अफसोस है पिताजी ने आप पर हाथ उठाया। कोई बात नहीं रेनू, तुम्हें मकान खाली नहीं करना पड़ेगा। भगवान के घर देर अंधेर नहीं, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। पर राकेश बाबू आप क्या क्या करेंगे? हो सका तो सब कुछ। आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर गिरने का इरादा है। मंगल, आज बहुत देर हो गई, तेरे फक्कर बाबू नहीं दिखलाई दी। उसी को तो चिंता है पार्टनर, उसी की चिंता मनी है। अरे क्यों? बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस की बात है, आधी रात से ज्यादा बीत गई और मैं अभी तक होश में हूँ। क्या ढूंढ दारू वारू आ गया? दारू का नाम दिया तो दारू बहुत बुरी चीज है। अरे यही कहता कहता तो मेरा बाप दम तोड़ गया। अब तेरी बारी। क्या था यार, बड़ी देर लगा थी, चलना चलना। नहीं बिलवा मंगल, आज नहीं। क्यों? मुझे एक जरूरी काम। अरे वो सारे जरूरी काम वाले वहां आते हैं शाम को, चलना। अच्छा तू ऐसा कर, कुछ पैसे ले ले जा। आज बड़ा दुखी है रे, दर्द। अरे तो सर के दर्द की दवा एस प्रो और इसके दर्द की दवा। अरे
मुझे 1000 रुपया चाहिए, अभी इसी वक्त। सुबह के माल का क्या हुआ, सब खत्म? हाँ। तो ऐसा करो, रात को मेकअप से खेल के अपना ऐसा ले जाओ। राकेश, अभी इसी वक्त दे दो, वरना रेनू को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओ रेनू। तो लड़की का मामला बहुत अच्छा। नहीं नहीं बाकी, वो एक शरीफ लड़की है। शरीफ है इसीलिए तो गरीब है, तुम उसे हमसे मिला दो, सारी तकलीफें दूर हो जाए। बाकी गरीब लड़की की जिंदगी का सवाल है और तुम्हें अपने मतलब की पड़ी है। इतना गम
मैं जीत सका ना तुमको इस बात का इतना गम है। इस गम से अगर घबरा के मर जाऊं भी मैं तो कम है। मैं शाम और सहर रोया हूं मगर बुझती नहीं ये चिंगारी। मैं हूँ बदनाम जुआरी, मैं हूँ नाकाम जुआरी। हर दाव जमाना जीता, हर बाजी मैंने हारी। मैं हूँ बदनाम जुआरी, मैं हूँ नाकाम जुआरी। हसरत थी पर मैंने पेश किया दिल। दौलत की तुझे हसरत थी पर मैंने पेश किया दिल। अच्छा ही किया ओ दिलबर जो तूने बेच दिया दिल। उस पीत की क्या कीमत थी भला जो तुझ पे मैंने वारी। मैं हूँ बदनाम जुआरी, मैं हूँ नाकाम जुआरी। हर दाव जमाना जीता, हर बाजी मैंने हारी। मैं हूँ बदनाम जुआरी, मैं हूँ नाकाम जुआरी। सुमित्रा, तुमने मुझे क्या ठुकराया? तुम्हारी देखा देखी सारी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया। तुम्हारा दुल्हन का लिबास मेरी प्यार की अर्थी पर बहुत खिला। हाँ सुमित्रा, बहुत ही खिला। आप कौन है? मैं कोई नहीं हूँ। आपको दर्द है? चलिए मैं आपको सहारा देती हूँ। अरे तू तो इतनी खूबसूरत है कि लखपति भी तेरे सामने नाक रगड़े मगर बिल्कुल ना। एक तो ये मोहल्ले वाले कमीने हैं, तुझ पर खाम मखा ताने कसी किया करते हैं। भला किसी बेसहारा को सहारा देना भी कोई गुनाह है? बिंद मासी, मैं बाहर बरामदे में। अरे नारी ना बिटिया, मैं तो यूं ही बकबक किया करती हूँ। ले मुंह बंद कर ले। सुनिएगा जी, कहिए। बात यह कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं यहाँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे यहाँ अंदर किसने बंद कर दिया था? मैंने। आपने? कल रात आप दर्द से परेशान थे और फुटपाथ पर ही सो गए थे। लेकिन आप? मेरा नाम सरोज है, कल मैंने यहाँ से आपको देखा। नीचे गए?
सोचा आपको घर पहुंचा दो, लेकिन आपने कहा कि मेरा कोई घर नहीं। जी हाँ, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। थैंक यू। अब हमें ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बना सकते, धीरे धीरे सब पता चल रहा है राम चाचा। अजी मैं तो सरोज के बराबर वाले कमरे में रहती हूँ, आज वो किसको उठा लाई है? देखो जी, ये शरीफ आदमियों का मोहल्ला है, बाजारी औरतों का नहीं, हमारे घर की औरतों में बुरा हाल पड़ता है। तुम लोग गंदे विचारों से लदे हुए हो, सरोज तुम्हारी सामाजिक औरतों से लाख गुना पवित्र है। इसीलिए हर रोज एक नया चाहने वाला आधी रात को उछाल आती है। राम 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 राम। सरोज बेटी का चरित्र तो गंगा जल की तरह पवित्र है। धर्मात्मा जी, आप अभी संभाले बाहर घूमते हैं, पीछे क्या होता है आप क्या जाने। ऐसी बातें करते हुए तुम लोग शर्मियत। मेरी घरवाली अगर किसी पर आए आदमी से बात। आपने तो कहा था आपको खाना खाने की आदत नहीं। अभी हो गई। मालूम होता है आपने बहुत दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया। कई सालों से, किसी ने पूछा ही नहीं, सिर्फ आपने पूछा। आपकी बड़ी मेहरबानी। इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आपकी नहीं, मैं कई बार कुत्ता नहीं पड़ रहा, मगर किसी ने उठाने की जरूरत ही नहीं समझी। और कोई समझे भी क्यों, भला एक शराबी जोरे को कौन उठाएगा? आप जुआबी खेलते हैं? बहुत। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर चीज जुआ है, जिंदगी, मौत, शराफत, चोरी डाका सब जुआ है। अगर शराफत से रहना हो तो ये समझ लेना पड़ता है कि एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा, वो भी तो जुआ ही हुआ ना। फल मिला तो मिला, ना मिला तो ना मिला। आप ये सब काम छोड़ क्यों नहीं दे? बहुत कुछ छोड़ दिया, अब तो सिर्फ यही रह गया। आपने मुझे फुटपाथ से उठाया, खाना खिलाया, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आदत। आपकी भी आदतें बढ़िया जी। ऐसा ही समझ लीजिए, मुझे लोगों का दुख बांटने में सुख मिलता है। मेरा कोट अलमारी में। निकाल लीजिए ना। आपका कोट मिला? हाँ। साल भर से किराया नहीं दिया है, कल सुबह तक अगर किराए का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मकान खाली करना। आपको लोगों का दुख बांटने में सुख मिलता है ना? हर इंसान को मिलना चाहिए। पर राकेश बाबू, आप क्या क्या करेंगे? आइए। जीत नहीं पाओगे मिस्टर बांके। 100 रुपए। 200। 200। ओ, तुम अभी लड़ने की हिम्मत है? आओ जाए खेल, आज राकेश खेलने आया है, किसी की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से। लेकिन ये रुपए तो पहले दांव में उड़ जाएंगे। राकेश पहले दांव से आखिरी दांव तक जीतता है। भूल गए, तुम्हीं ने तो नाम रखा है जुए का नेपोलियन। लगता है आज नेपोलियन का बॉटलू आ गया। आज मालो शो। ओ, गुलाम बेगम बादशाह द सेकंड। अरे क्या बात है वाह। चलिए बांके साहब,
आज तो कुछ सितारा नीचे जा रहा है। 200। नीलाम करवा दे, लेकिन अपना आदमी समझकर लिहाज कर रहा। 3 गुलाम। अरे बाप रे बाप, 3 बादशाह। वो छा गया बाप, कमाल कर देता तू। आपसे माफी मांगने आया हूं। किस बात की? मैं चोर है नहीं, थे। आपकी चोरी पकड़ी गई। ये हार आप? जी हाँ, यही मेरा हार है। अंदर आइए। आप अजीब औरत, मैं आपको समझ नहीं पाया। समझ जाएंगे तो धोखा खाएंगे। आपने ये हार खरीदा क्यों? हाँ। मेरा नाम पुलिस में क्यों नहीं लिखवा दिया? आपने अपना नाम बताया ही कब था? मजाक छोड़िए, क्या मुझे शर्मिंदा करके खुश होती है? नहीं, इसमें आपका क्या दोष? आपको पैसों की जरूरत थी, आपने हार नहीं लिया। लेकिन मैंने आपको दिया ही क्या है जो कुछ लेने का हकदार बनूं? देखिए, मैंने आपकी देखभाल इसलिए नहीं की थी कि आप मुझे उसका बदला चुकाएंगे। खैर, बैठिए बैठिए ना। आज आप बहुत परेशान हैं। जरूर, मैंने सोचा था आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने गरीब के घर उजड़ने से बचाया और चोरी के कलंक को भी मिटा डाला। लेकिन मालिक मकान ने उनको किराया ना देने पर निकाल दिया और हार आपने खरीद लिया। मैं वहां भी देर से पहुंचा और यहां भी। मैंने हार इसलिए खरीदा कहीं रामू चाचा ये ना समझे कि आप चोर हैं। Thank you.
कपड़ों में अच्छे लगते हैं। मैं भी आपके लिए एक अच्छी साड़ी लाया हूं। बहुत सुंदर है। आप खूब खिलेगी। लेकिन मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती। आप अपनी होने वाली बीवी के लिए रख ली। लेकिन होने वाली बीवी का होना नामुमकिन। क्यों सुमित्रा? आप सुमित्रा को जानती? सिर्फ नाम सुना है आपके मुंह से उसी रात। मेरे पास भी अब सिर्फ नाम ही रह गया उसका। आप उससे प्रेम करते थे? एक नशा सा था जो भोर होते ही गायब हो गया। ना सुमित्रा मुझे समझ सकी। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। माँ बाप ने राकेश नाम रखा और लोगों ने फक्कर साहब से लेकर जुआरी तक पहुंचा दिया। आपके माता पिता कहाँ हैं? मोहनपुर में। बड़े साहूकार थे। अंग्रेजों ने चापलूसी से खुश होकर पिताजी को राय बहादुर का खिताब दिया, पर पिताजी अभी तक उसी शान बान और ठाट से रहना चाहते हैं जो इस भूख और बेकारी के जमाने में मुश्किल है। उनके पास धन तो नहीं, लेकिन घमंड और झूठी तसल्ली जरूर है कि मैं राय बहादुर हूं। तुमने राकेश को बिगाड़ दिया। मुझसे कहता है कि यह खानदानी शान भर जब कर निभा नहीं सकते तो एक ढकोल चला है। अंग्रेजों के दिए हुए खिताब गुलामी के फंदे हैं जो कि बेवकूफ हिंदुस्तानियों ने सारे देश को गुलाम बनाए रखने के लिए अपना लिए। अपने खानदान को, अपने माँ दादाओं को बेवकूफ कहता है राय बहादुर चमनलाल बेवकूफ। नए खून का जोश है, सब ठीक हो जाएगा। तुम बचपन से उसकी तरफदारी करती आ रही हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा इस बात को। मैंने कहा कि लड़की वाले भी राय बहादुर है, बहुत बड़े साहूकार है। लड़की जरा बात सूरत हुई तो क्या हो गया? दहेज की तरफ ध्यान दो, पूरे 2 लाख रुपया दे रहे हैं वो। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत उधार लेके धूमधाम से शादी कर देंगे। खानदान की इज्जत का सवाल है ये। बाद में पोल खुल गया तो खानदान की इज्जत संधियों के तलमो तले मच ली जाएगी। 100-100 बातें सुननी पड़ेंगी। उधार लेने चले हैं, नौकरों की तनख्वाह तो दे नहीं सकते। नहाने का सामान तैयार है। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लोग नहीं समझते इस बात को। लोग अपनी फसल खाते थे, अगर और हम का बच्चे सब उनके तरह है। लाया सर जल्दी लाओ, हट हो जाए इसको। अरे सुनो, अरे बहादुर चमन लाल एक कपड़े धोने वाले साबुन का ना है जी। बाहर जाके किसी से मत बोलना। लाल बहादुर चमन लाल कपड़े धोने वाले साबुन का ना है। हेलो फिलोसोफर। हेलो सुमित्रा, आज बहुत इंतजार करवाया। क्या करूं, तुम्हें मेरे बाल जो पसंद नहीं आते, इन्हें बनाने में देर लग गई। आज तो ठीक है ना? क्या बात है, ऐसे मालूम होता है जैसे अजंता की गुफाओं से चली आ रही हो राकेश के दिल तक। आज क्या पियोगे? जो पिला दो। मजाक छोड़ो। मजाक की क्या बात, तुम्हारे हुस्न के सुरूर के आगे लड़खड़ा रहा हूँ, जो चाहे पिला दो। जानते हो राकेश, आज पिताजी से बात की। सच? बोले तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। तुम्हारी पसंद क्या है? नाम? नाम भी है। देखने में कैसा है? ऐसा ही मुझ जैसा। तुमसे कुछ मिलता जुलता है। सुना है फिलोसफी का बड़ा शौकीन है। तुम अब तक उससे मिली नहीं? कल मिली थी। कहाँ? ख्वाबों में। बड़ा शैतान है, तुम्हारे ख्वाबों में भी आने लगा और वो भी बिना पूछे। बड़ा बदतमीज है, इसलिए तो कहा था ना कि मुझसे शादी कर लो। कम से कम मैं तो पूछ के आता हूँ ख्वाबों में। किसकी ख्वाबों में? मेरे नहीं तो है। नाम? नाम भी है। देखने में कैसी है? ऐसे ही मुझ जैसी नहीं, तुमसे मिलती जुलती है।
सुना है बाल बनाने की बहुत शौकीन है, ऐसे लगता है जैसे अजंता की गुफाओं से चली जा रही हो। तुम उसे अब तक मिले नहीं? मिला था कल खाबू में। न जाने क्या करेगी, न जाने क्या करेगी तेरी झुकी झुकी नजर, वो झुकी झुकी नजर। जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर हो, जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर। न जाने क्यों है तेरी मुझ पे रुकी रुकी नजर, वो रुकी रुकी नजर। जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर हो, जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर। देखो ये नजारे हमें पहचानते हैं, देखो ये नजारे हमें पहचानते हैं, ऐसे हंसते हैं जैसे सब जानते हैं। सिवा तेरे नहीं मालूम किसी को उदास था, सुना ये किसने इन्हें कैसे हुई इनको खबर, हुई इनको खबर। ओए जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर हो, जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर। नहीं तूने लिया तो दिल गया दीवाना किधर, गया दीवाना किधर। जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर हो, जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर। तेरे पहले कोई तेरे बाद नहीं, कोई तेरे पहले कोई तेरे बाद नहीं, बिना एक तेरे कुछ मुझे याद नहीं। तेरी हर बात पे है एतबार, जाने जहां किसी को यूं बनाना तूने कहां सीखा मगर, वो कहां सीखा मगर। ओए तुम इसे जाने जिगर, तुम इसे जाने जिगर, तुम इसे जाने जिगर, तुम इसे जाने जिगर। न जाने क्या करेगी तेरी झुकी झुकी नजर, वो झुकी झुकी नजर। जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर हो, जाने मन अल्लाह खबर, जाने मन अल्लाह खबर। आज फिर बाल बनाने में देर लग गई होगी। कैसे बने हैं? ये कमबख्त बाल अब मेरे दुश्मन बन गए हैं। जरा सा तो वक्त मिलता है तुमसे मिलने का, उसका भी एक हिस्सा ये ले लेते हैं। लेकिन आज देर से आने की वजह ये नहीं, कोई और है। कौन है? चारी। आज घर आया था पार्टी की दावत देने के लिए, बैरिस्टर बन के दिल्ली जा रहा है। ओह, तो पुरानी दोस्ती फिर से जाग उठी। देखा, लगे ताने कसने, अब क्या उसे घर से निकाल देती? नहीं मैडम, उसे सर पर बिठा के रखिए, आखिर अमीरों के दोस्त अमीर ही तो होंगे। उसे टेनिस खेलने नहीं बुलाया? ओ राकेश, फिर मूड खराब हो गया। हेलो सुमी। आइए चारी साहब, आप ही का इंतजार था। हेलो। मुबारक हो चारी साहब, सुना है आप बैरिस्टर बन गए। हाँ, इरादा किया था, कामयाब हो गए। इसी का नाम जिंदगी है, जो हासिल करना हो करके छोड़ा जाए। आपको किस चीज की कमी है?
आप जो चाहें आसानी से हासिल कर सकते हैं, मुश्किल तो हम जैसों को है। इसीलिए तो कहता हूं कि ये फलसफाना अंदाज छोड़कर जिंदगी के असली पहलू पे गौर कीजिए। इसके लिए जरूरत है दौलत, ये आप कई बार कह चुके हैं और आपने हर बार ना की। ये शायद मेरी बदकिस्मती है कि मैंने हमेशा दौलत के आगे दिल को ज्यादा कीमती माना। लेकिन याद रखिए, आजकल का जमाना दौलत का जमाना है। इस बाजार में आपको दिल भी मुफ्त नहीं मिलेगा। क्यों समी खामोश क्यों हो गई? शायद सोच रही हो कि हम दोनों में से बेवकूफ कौन है। परेशान ना हो, बहुत जल्द पता चल जाएगा। आओ खेल शुरू करें। कम ऑन राकेश। तीन आदमी, इनका पार्टनर कहाँ है? रहने दो, हम खेलेंगे ये देखेंगे। आओ। कल की पार्टी कैसी थी? बहुत अच्छी। तुम क्यों ना आए? सब आए थे, बड़े बड़े लोग और चारी का मकान, उफ, महल है महल। ऊंची ऊंची दीवारें, लंबे लंबे पर्दे, कालीन, नौकर चाकर, क्या ठाट बाट थी। हर आदमी चारी के सामने छोटा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर था। तुम्हें पसंद आया? बहुत। हंसते क्यों? सुमित्रा मुझे डर है, तुम्हारे दिल में झांक कर देखने वाली आंखें शायद चांदी की चमक दमक से चुंधिया गई। पर पैसा है बहुत जरूरी चीज और चारी के पास पैसा बहुत। मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम उससे जेलस हो। तुम समझते हो मैं चारी को चाहने लगी हूँ? अरे वो तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। और मुझसे पैसे में। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ। कितना? इतना कि अगर तुम्हें बुलाने बैठूं तो शायद खुद को भी भूल जाऊं। तो क्या तुम ये नहीं समझते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके भी खुश रहेंगे? सच बोलो। तुम सच नहीं सुन सकोगे, सच बोलने से हमेशा नुकसान होता है। तुम्हें मेरी कसम। तो सुनो, सुमित्रा, शादी एक बंधन है जो कुछ दिनों बाद एक फंदा मालूम होने लगता है। अगर निभ जाए तो सात जन्म कट जाएं, और अगर ना निभे तो सात पल भी नहीं। क्या मतलब? प्यार जब शादी में बदल जाता है तो जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी चीज दिखाई देती है, पैसा। अगर वो नहीं है तो प्यार का पौधा शादी के गमले में सूख कर रह जाता है। इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ये तो मैंने नहीं कहा। सुमित्रा, हम प्यार भले ही बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन शादी के बाद भी यूं ही एक दूसरे को चाहेंगे, इसका वादा ना तुम कर सकती हो और ना मैं। राकेश, तुमने सच बोलने को कहा, मैंने कह दिया। सच्चाई बहुत कड़वी है ना सुमित्रा? और तुम्हारी बातें भी, मेरी गलती थी, मैंने जीवन साथी चुनने में भूल की। ये क्या कह रही है सुमित्रा? ठीक ही तो कह रही हूँ सुमित्रा। तुम्हें सुमित्रा नहीं, अजंता एलोरा से निकली हुई एक पत्थर की बेजान मूर्ति चाहिए जो तुम्हारे पास बैठी हुई तुम्हारी फिलॉसफी सुनती रहे। लेकिन मुझ में जान है, मेरा भी दिल है, अरमान है, मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद है। राकेश, तुम्हारा तार। मेरा तार? खैरियत तो है ना? माँ बीमार है, फौरन घर बुलाया। चंद्र, सुमित्रा को बता देना। उससे मिलके ना जाओगे? वक्त ही कहाँ है, नाराज हो जाएगी अगर मिलके ना गए तो। वो तो चार दिन से नाराज है। तुम उल्टी सीधी बातें जो करते रहते हो, प्यार का मामला है और तुम उसमें जिंदगी की फिलॉसफी घुसेड़ते रहते हो। अरे मोहब्बत शादी करने के लिए होती है, कोई चार डालने के लिए नहीं। सुमित्रा से कहना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ, वो तो कह ही दूंगा। मामा, मैं प्यार करूंगा, मजनू कहेगा। रामू, मां, ये क्या है मां? इसलिए तो बीमार पड़ जाती हो, बिस्तर पे लेटा नहीं जाता। आ क्या गया, बेटे को तो दुख देने के लिए पैदा किया है। कौन है वो डॉक्टर जिसने इतनी बीमारी में बैठने की इजाजत दी है? मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ सुनना उनना नहीं, आराम और नींद ही बीमारी के दुश्मन है। कहाँ है पिताजी, क्या तुम्हारा इतना भी ख्याल नहीं रखते? राकेश बेटा, मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने तुझे यूं ही बुला लिया था। हाँ, यूं ही?
नहीं तो तू क्या आने वाला था? बड़ा पढ़ाई का कीड़ा बन गया। अरे अरे, अब तो माँ का प्यार किताबों के नीचे दब गया है। तुम बाप बेटा दोनों एक से। चलो माँ, पिताजी के साथ मुझे ना मिलाओ। वो राय बहादुर है और तू भंगी है। पिताजी, बेटा आया है तो शुरू ही हो गए। जरा आराम से बैठिए, हाल चाल पूछिए। माँ, ये सब मामला क्या है? मेरी समझ में। अबे इतने समझने की जरूरत ही क्या है? तुझे सेवा करनी है और मैं जानता हूं तू ना करेगा, लेकिन मेरा नाम भी राय बहादुर चमनलाल नहीं जो तुझसे हाँ ना करवा दी। ओहो, आप तो ऐसे शुरू हो जाते हैं जैसे थानेदार चोर को धमका रहा हो। लेकिन मेरा भी तो बस बस चुप रहिए, मैं उसे समझाती हूँ। आखिर शादी का मामला है, कोई कचहरी का मुकदमा नहीं। शादी? मैंने एक जगह तेरी बात की है, आखिर कभी ना कभी तो घर बसाना ही है ना। पर माँ, माँ कब तक बैठी रहेगी? आज है कल नहीं, बहू के पैर घर में पड़ जाए तो शायद इस घर की शान बन फिर से वापस आ जाए। लेकिन माँ, मुझसे पूछ तो लिया होता। बेटा, तुझे पूछने के लिए ही तो बुलाया है। तू पसंद करेगा तभी मैं हाँ कहूंगी। पसंद का इसमें क्या सवाल है? खानदान में आज तक हुआ ऐसा कभी? मुझे मैं पसंद करके ब्याह के लाया था। वो जमाना गया, हमारी तो निभ गई, इनकी नई निभी तो कौन जवाब देगा? निभेगी कैसे? ले पैसे वाले हैं, 2 लाख रुपए दहेज में दे रहे हैं, फिर किस बात की चिंता है? तो आप रुपयों की थैली मेरे गले में बांधकर मेरी गर्दन झुकाना चाहते हैं? खानदान में शादी होगी तो सर ऊंचा होगा, बिरादरी में शान बढ़ेगी। आपको मुबारक हो ये शान और बिरादरी। मेरे लिए ये सब धोनियों की भीड़ जो खोखली शान बान और राय बहादुरी के शमशान में जिंदगी की नींव रखने पर आमादा है। मैं जा रहा हूँ। बेटा, इतना जल्दी तो बचपन में भी नहीं था। तब मैं चलना सीख रहा था माँ, दुनिया की चालों से बेखबर। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि दुनिया किधर जा रही है और आप लोग किधर। नालायक, अब आप कैसा सलूक करना, यही शिकायत तुम्हारी भाई ने। सच्चाई के मुंह से पर्दा हटा देना कोई पाप नहीं पिताजी, आप उसे ढांक कर रखने के आदी। क्या आप उसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं लोगों को दिखाता फिरूं मैं एक साहूकार हूं, जबकि मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं? क्या आप समझते हैं कि वो 2 लाख रुपए मेरी और आपकी होने वाली बहू को जिंदगी भर खुश रख सकेंगे? क्या ये प्यार और मोहब्बत से खाली ऊंची ऊंची दीवारें कैद नहीं बन जाएंगी उसके और मेरे लिए? क्या माँ का ये हाल देखकर मेरी आंखें नहीं खुली, जो कर्ज की फिक्र में आज तक चैन की नींद नहीं सो सकी? नहीं पिताजी, मैं ये दूर नहीं कर सकता। तू इस शादी से इनकार करता है? मुझसे नाटक ना होगा, मैं सच्चाई से जीना चाहता हूँ पिताजी। तो निकल जाए यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी जबान तो समझ में नहीं पकड़ती। कह रहे हैं माँ, मुझे भी इस घर में सिवाय तुम्हारे और सब धोखा मालूम पड़ता है। तो फिर इधर का रास्ता नहीं पकड़ना, आज से तू मेरे लिए मर गया। क्या कह रहे हैं आप? तुम जाना चाहती हो तो तुम भी जा सकती हो। खानदान की इज्जत ऐसे नहीं। मैं जा रहा हूँ, तुमसे कभी कभी मिलने आया। रोकिए ना, रोकिए। राकेश बाबू। राम राम। कहाँ जा रहे हैं आप? सुमित्रा से मिलने। सुमित्रा मैम साहब तो दिल्ली चली गई। दिल्ली क्यों? चारी साहब से शादी जो कर ली। शादी? सुमित्रा ने जिंदगी के सच को कुरेद कर देखने से पहले ही उसे ठुकरा दिया और मुझे दुनिया ने। तब से मेरे लिए जिंदगी एक जुआ बन गई, जैसे कोई हारा हुआ जुआरी जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। वैसे ही मैंने एक बार हार कर अब सारी जिंदगी दांव पर लगा दी। क्या आप बिल्कुल उम्मीद खो बैठे हैं कि कभी जीतेंगे? शायद जीत जाऊं, लेकिन। लेकिन क्या? खैर छोड़िए इन बातों का, आपको अपना दुख सुनाकर और दुखी किया। क्या मैं आपका दुख नहीं बांट सकती? क्या कीजिएगा बांटकर? आपको भी अपना दुख दे दूंगी। दुख तो आप क्या देंगे? हाँ, आपसे ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि हो सके तो आप इस साड़ी को अपना लीजिए। आपको सुख मिल जाएगा। बहुत। मैं कैसी लगती हूँ चारी? हाउ डू आई लुक? पर आपने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं।
दो साल से तो देख रहा हूं। आप बहुत रूखे हैं जारी, वकालत की किताबों की तरह जज्बात से खाली। नहीं जारी, ना तो ये किताबें जज्बात से खाली हैं और ना मैं। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, वकील साहब आते ही होंगे, मैं स्टडी रूम में। शुक्र है रुक तो गई है, नहीं तो इसके इरादे हमें वापस बंबई ले जाने के थे। अब तो वापस ये आ गई, ये कहीं भी जाने को तैयार नहीं लगती। इसके क्या मजाल जो हमें आगे जाने से रोके? देखिए आप। क्लच दबा दीजिएगा। सुन रही हैं आप? नीचे है? मिला? ये रहा आपका क्लच। क्लच उखाड़ दिया आपने? ये तो हैंडल है। समझा, आपने क्लच उखाड़ दिया। वो जो बाएं तरफ पैडल है ना, वो है क्लच। जब मैं आपसे कहूंगा तो आप अपना बायां पांव उस पर रखिएगा और दबाइएगा, समझी? मुझे कुछ नहीं मालूम। बड़ी सिंपल बात है, जब मैं आपसे कहूंगा आप वो क्लच दबाइएगा। ये है चाबी, आप उसे टर्न करिएगा तो फ्यूल पंप काम करेगा, टिक 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 टिक। ये स्टार्टर है, जब आप इसे खींचेंगी तो पिस्टन वो काम करेंगे, टुक 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 टुक। और जब आप गियर बदलेंगी और क्लच दबा के एक्सेलेटर दबाएंगी, क्लच निकालेंगी, गाड़ी जाएगी, समझी? अगर गाड़ी चल पड़ी और आप गाड़ी के नीचे हुए तो गाड़ी तो चल पड़ेगी ना। मेरा क्या है, मैं आपके हाथों मरा तो सीधा स्वर्ग जाऊंगा। ठीक ठीक, कैसी बातें करते हैं आप? आपके बारे में क्या सोच सकते हैं आप तो मुझे पूरी तरह जानते भी नहीं। हो सकता है, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि आप एक सच्चाई है जो खुद नहीं बोलती, सिर्फ दिखाई देती। लेकिन फिर भी अगर तुम अच्छा हुआ आपने तुम कहकर दूरी को खत्म कर दिया। आपको बुरा लगा? नहीं तो आप जानना चाहते हैं ना मेरे बारे में कि मैं कौन हूं? तो सुनिए, मैं गिरधर प्रसाद शास्त्री की बेटी हूं। मेरा जन्म सारस्वत ब्राह्मण कुल में हुआ और गांव के शांत वातावरण में मैं पली। फिर पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं अकेली रह गई। किसी ने मेरा हाथ न थामा क्योंकि मेरे कुल का वर मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे सहारा दिया और कहा मेरे साथ शहर चलो, वहां तुम्हारे कुल का वर मिल जाएगा। और मैं उसके सहारे यहां चली। मेरा खाना कहाँ है? अरे आपको तो खाना खाने की आदत नहीं है ना? नहीं थी, मगर अब तुम्हारी सोबत में बहुत सी आदतें बदल गई हैं। है।
तुमने बहुत अच्छा खाना पकाया है। क्या हुआ? ये तो होटल से मंगवाया है। तो शायद तुम्हारे हाथ लगने से ये खाना इतना अच्छा हो गया है? आपको फिलॉसफी करने की आदत है। जिससे मैंने बहुत नुकसान पाया है, लेकिन आज मैं सच कह रहा हूं। इसे भी तो आपको नुकसान हुआ है। अब नहीं होगा सरोज, मेरी सच्चाई तुम्हारी सच्चाई के सामने झूठ मालूम होती। छी छी, क्यों अपने आप को हमेशा नीचा समझते हैं आप? अब नहीं समझूंगा। तुम्हारे हाथ में बड़ी तासीर है, खाना भी अच्छा हो जाता है और आदमी भी। सफर अब ये सफर कट जाएगा, हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। रास्ते में जीना अब घबराएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। कदर रंगीन है लम्हात ये, हम कदम पहले कहाँ थी बात ये। कोई हसरत थी न कोई याद थी, जिंदगी क्या थी कोई फरियाद थी। दिल मेरा तो मुझसे भी अनजान था, एक पत्थर की तरह बेजान था। प्यार तेरा अब इसे धड़काएगा, हम सफर अब ये सफर कट जाएगा।
कर जो भी मिला मुझ पे लोगों ने किए हैं जो सितम मैं बड़ी मुश्किल से भूली हूँ सनम देखना तू भी यही करना नहीं दिल जलों से दिल लगी करना नहीं उम्र भर वरना ये गम तड़पाएगा ये मुसाफिर राह में रह जाएगा ये रहा वादा ना दिन वो आएगा हम सफर अब ये सफर तक जाएगा बहुत बढ़िया है तुम्हारे बाप की है नहीं सरोज अब तुम इस गंदगी में नहीं रह सकती मैं आज तुम्हारे लिए नए मकान का इंतजाम करता हूँ अभी तो ले जाइए ना बाबूजी बड़ा की पोटली को ले जाओ संभाल के बात करो इस जैसी देवी पर कलंक लगाते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये देवी और तू देवता चोर का भाई गिरे का उस दिन मोटर लेकर आया था सरोज को ले जाने के लिए बाकी लाल सबको पहचानता है अब मेरा दौर मैंने सोचा चलो अपनी नौकरी पूरी कराऊं बिंदु जी ये लो इतनी बड़ी खबर के सिर्फ 10 रुपए अभी तो खबर शुरू हुई है जरा फैलने दे जैसे जैसे खबर फैलती जाएगी इनाम भी बढ़ता जाएगा सरोज अरे यह अंधेरा क्यों है सरोज हेलो नेपोलियन बाकी तुम क्यों हैरान क्यों हो गए आओ अपना ही घर है मेरा मतलब है मेरा अपना आओ सरोज ने तुम्हें कुछ नहीं बताया शायद जरूरत ही नहीं समझो दरअसल बात यह है प्यारे कि अपना तो काम यही गांव से शहर की हवा खिलाने लाया था सरोज कमीने जमीन मुझे बड़ा अफसोस लेकिन क्या करूं झूठ भी तो नहीं बोला जाता पहले तो मैं यहीं रहा करता था लेकिन अब अमूमन छुट्टियां बिताने आता हूं ऐर छोड़ो नेपोलियन सरोज को एक खूबसूरत बेवकूफ की जरूरत और वो दोनों खूबियां तुम में लोपियो बाकी मुझे तुम पर तरस आता है नेपोलियन कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम वाटरलू पर ही पड़ता है बदकिस्मती तुम्हें सरोज से मोहब्बत है और सरोज को मुझसे क्या हाथ लेकिन प्यारे ये पहला हाथ उस तरह नरम रहा एक कराया रासा इधर हो जाए रुक क्यों गए क्या
और ये मकान हमारा, यानी कि हम दोनों का। मैं यहाँ अमूमन छुट्टियां बिताने आता हूँ। और भी सुन लो, सरोज के पिता ने मस्त और सरोज का हाथ मेरे हाथ से दिया था। दिल्ली भर में ऐसा हवादार कमरा नसीब नहीं होगा आपको। ठीक है सामान ले आओ। बहुत अच्छा। साहब कुछ पियेंगे? नहीं। मैं आपको समझ नहीं पाया। समझ जाएंगे फिर धोखा खाएंगे। सरोज को एक खूबसूरत बेवकूफ की जरूरत है और वो दोनों खूबियां तुम में। ये मेरे गांव के महीने के साथ शहर आई थी। और ये मकान हमारा, यानी कि हम दोनों का। मैं यहाँ अमूमन छुट्टियां बिताने आता हूँ। आज आपका सर मेरे हाथों फट गया होता। वेरी ग्लैड टू मीट यू। आप होटल में ठहरे? हाँ? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आप मेरे साथ मेरे घर पे ठहरेंगे? नहीं नहीं नहीं, होटल अच्छा है। और फिर इन्हें कहाँ रखोगे अपने घर में? और फिर मैं भी तो होटल में ठहरा हूँ। तुम्हारी बात और है, जो एहसान राकेश बाबू ने मुझ पे किए वो कोई नहीं कर सकता। चलिए राकेश बाबू। और रिहर्सल का क्या होगा? वो कल होगी। मैं भी अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हूं, जहां से मुझे सिर्फ झूठ और कपट ही दिखाई दे रहा है। कभी कभी दिल चाहता है कि मैं भी उसी तरफ चल पड़ूं और उस दुनिया में दाखिल हो जाऊं जहां हर चीज खरीदी जाती है, शराफत, इज्जत, ईमानदारी और यहां तक कि मोहब्बत भी। बस यही एक रास्ता है जिसे तमाम दुनिया आपके कदमों पर होगी। मैं कल ही आपको क्लब ले चलती हूं, वहां दिल्ली के बड़े बड़े रईसों से आपकी मुलाकात हो जाएगी। बस एक को याद रखिएगा, जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना ही ज्यादा आपको सच्चा समझा जाएगा। और अगर सच बोलूंगा तो संन्यास लेना पड़ेगा। मैं समझ गया, तो आज मैं इंसानियत और सच्चाई को तुम्हारे पास गिरवी रख देता हूं। जब जरूरत पड़ेगी झूठ को लौटा कर वापस ले लूंगा। तो फिर रिहर्सल शुरू। हेलो, यस, राकेश साहब बाहर गए हुए। मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। कल आई एम सो सॉरी, ही वेरी बिजी, बाहर शिकार पे गए हैं। महाराजा टांग नगर के साथ। आसानी है तो ठीक है, कह दो वापस आकर उनका शिकार करेंगे। हेलो, देखिए आते ही मिल लीजिएगा। हेलो कैसनोवा, ये भी कोई नाम? जी हाँ, फ्रांस के एक मशहूर आशिक का नाम है। मेरा तो सिर्फ टाइटल है। और आप भी फ्रांस से इंपोर्ट हुए हैं? जी नहीं, मैं स्वदेशी कैसनोवा हूँ, मेड इन इंडिया।
आप ही प्रिंसेस सविता की सेक्रेटरी और आप मिस्टर राकेश करोड़पति। किसके पति? करोड़पति। ओह करोड़पति, वेरी गुड साथ आपसे मिलकर बड़ी मुझे आपसे बड़ी जरूरी काम है। अच्छा किस मर्ज की दवा चाहते हैं आप? नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, प्रिंसेस बीमार है, दिल की बीमारी है। आपकी तस्वीर अखबारों में देखकर फ्लैट हो गई। गुड शो, कांग्रेचुलेशंस। गुड शो। तो फिर आप कब तशरीफ आ रहे हैं कशिनो? कशिनो? हाँ हम, वहाँ जुआ होता है, वो रोलेट चलता है। हाँ अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके सेक्रेटरी से मिलकर अपॉइंटमेंट ले लूँ। हाँ सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी तो लंदन गया हुआ है, अच्छा दो दिन बाद आएगा। लंदन गया हुआ है? लंदन किस लिए गया? ये ही मेरे जूते उते लेने गया। लंदन जूते उते लेने गया? मुझे दिल्ली बुलाया है, अरे उसी के पतलून पहन के चला जाऊंगा। तो हमने तुमको राम किया जो तुमको चट्टी में छोड़ दिया, बल्कि मैंने साहब ने क्या हुक्म दिया था मालूम है? क्या हुक्म दिया था? तुमको नंगा बाहर फेंक दो। मेरे घर का बच्चा मुझे नंगा कराना चाहता है, खुद क्या वो सूट पहन के मरेगा? मैंने तुमको गली देता है। करोड़पति, लकी मैन, आज गेम का मजा आ जाएगा, लाखों की हार जीत तो होगी। कम से कम सालाना पेंशन तो आज निकाल ही लीजिए, बहुत से बिल देने हैं। हाँ महारानी जी, हमारे दाहिने हाथ में खुजली भी हो रही है। ओह वंडरफुल। हेलो मिस्टर राकेश, कैसे हैं? अच्छे हैं, वेरी गुड। आइए मिस्टर राकेश। प्रिंसेस, ये है मिस्टर राकेश जिनके बारे में मैंने आपसे कहा। आई सी। और मिस्टर राकेश, ये है प्रिंसेस सविता। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? सो ग्लैड टू हैव मेट यू मैम। और आप है हाथी दांत और जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर मुश्ताक। और ये है मेरे सेक्रेटरी मिस्टर चंद्र खन्ना। हाय एवरीवन, प्लीज सिट डाउन। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, इरादा था कि एक बार आपके साथ ही खेल के देख ही लूं। जरूर, शौक से खेलिए, खेल ही तो है, खेल के ही देखा जा सकता है। लेकिन मैं और मिस्टर मुश्ताक जरा बड़ी गेम खेलने के आदी हैं। जुआ हमेशा बड़ा ही खेलना चाहिए, मेरा मतलब है हजारों से शुरू हो और लाखों तक जाए। छोटा जुआरी हमेशा हारता है। आपकी और हमारी तबीयत मिलती जुलती है, रुपया तो मेरे लिए हाथ का मैल है। मालूम पड़ता है इसके हाथ में बहुत सी मैल जमी हुई है बॉस। अभी उतर जाएगी। नो मोर बैट प्लीज। एंड हियर इट गोज। 32। मम्मी 32 आएगा ना? हाँ बेटा जरूर आएगा। महारानी ब्लैक आ रहा है। इट मस्ट। इंपेयर आएगा, पेयर आएगा, इंपेयर आएगा, ऐसे पेयर आएगा, ऐसे इंपेयर आएगा, ऐसे पेयर आएगा। नो नो, इस पर जीरो के सिवा कुछ नहीं आ सकता। इट इज माय लकी नंबर। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गेम कैलकुलेशन की है। इट इज माय लकी नंबर जीरो। विस्की फॉर ऑल। विस्की फॉर ऑल। माफ कीजिए मुश्ताक साहब, मिस्टर राकेश विस्की नहीं छूते, सिर्फ शैंपेन। शैंपेन फॉर ऑल। 11 नंबर 10,000। 11 नंबर 20,000। रुपया 5,000। जीरो पर। थैंक यू मिस्टर पट्टू, थैंक यू। विस्की फॉर ऑल। मजा आ गया। मम्मी आज तक देर को गई? खुला भी कैसे नहीं, आज सुबह दही खिचड़ी जो खाई थी ये उसी का प्रताप है। यस
नेक्स्ट 50,000 जीरो 1,00,000 जीरो बॉस आप भी जीरो खेलिए ना रुपया 20,000 सात पर सेवन लकी नंबर सेवन 35,000 का 7,00,000 वेल प्लेड मिस्टर राकेश आखिर आपने एक हाथ ले ही लिया हाँ राकेश पहले हाथ से आखिरी हाथ तक जीता है नेक्स्ट कंग्रेचुलेशन 1,00,000 मिस्टर मुश्ताक आप खेलिए ना आप लगाइए एनी मोर बेट्स लेडीज एंड जेंटलमैन एनी मोर बेट्स वेट ऑन वेट ऑन 1,00,007 नंबर Any more bets, ladies and gentlemen? Any more? Here it goes. 2,00,000 Zero. Zero? Zero? Judgment ki baat hai. Zero! Lucky number zero! राजा साहब आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही थी ना हाँ हो तब भी रही है महारानी लेकिन बाएं हाथ में अब क्या खेलूं बेटा 35 रुपए 13 नए पैसे रह गए हैं अरे इनको तो रहने दीजिए मम्मी कल की दही खिचड़ी के लिए अच्छा मुश्ताक साहब 2,50,000 पूरा चाहे तो भी गेम और खेल लीजिए ना 10,00,000 का चैलेंज है आई डोंट माइंड ये मंजूर है मिस्टर पट्टू मैं चेक जी आपकी उम्र क्या है अजी साहब मेरी उम्र 25 साल और कुछ महीने हैं कितने महीने 108 महीने 25 नंबर पर 10,00,000 यस सर एनी मोर बेट्स लेडीज एंड जेंटलमैन कृपया यस सर 10,00,000 मिस्टर मुश्ताक के लकी नंबर जीरो पर जीरो हियर इट गो You don't worry, Master. Twenty-five. You shut up. Thank you. 25. Zero. Any more bets, Mr. Stark? No more bets. Bank is closed. 3 cheers, Mr. Rakesh. ये देख बंबई के मशहूर रईस दिल्ली में पहचान तो कौन है नहीं पहचाना राकेश बाबू और कौन चल बेटी सामान बांध मैं सारी गलतफहमी दूर करके ही दम लूंगा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी तुझे चलना ही पड़ेगा नहीं तो मैं जाके राकेश बाबू को सारी बातें बता दूं तुम्हें मेरी कसम जाऊं चाचा सच्चाई को सच साबित करने से अच्छा है कि वो एक दिन खुद उसे पहचान ले ठीक है बेटी मैं तेरी कसम नहीं तोड़ूंगा लेकिन तू भी तो मेरी एक बात मान ले चल मेरे साथ दिल्ली चल बेटी थैंक यू राकेश साहब का भी जवाब नहीं साहब काला चश्मा ऐसे मौके पे लगाया कि बस शुरू शुरू में तो मैं घबरा ही गया था राकेश साहब हारते रहे अगर शुरू से जीतने लगता तो सबको पता चल जाता कि तुम और मैं मिले हुए व्हाट अ स्टडी थैंक यू ठीक है अरे देखो चंदन रेनू से जो पैसे कर लिए थे वो ही भिजवा देना ओके बॉस थैंक यू गुड कोई रामू चाचा आपसे मिलने आए रामू चाचा आप यहाँ जाके बाबू नमस्ते 3 दिन से घर तलाश कर रहा हूँ आज पता मिला सरोज भी यहाँ बीमार है मुझसे कहा कि कह देना मैं एक बार राकेश बाबू से मिलना चाहती हूँ चांदनी चौक में जो वासुदेव धर्मशाला है ना वहाँ ठहरे हैं हम लोग मिस्टर टॉमसन का फोन आया है क्या जवाब दूं
रामू चाचा को वासुदेव धर्मशाला पहुंचा दो और टॉमसन से कहो कि अशोक का लोन मेरा इंतजार कर। बाहर खड़े रहना अच्छा लगता है क्या? अंदर आइए ना। बैठिए ना। रामू चाचा मिले बोले तुम्हारी आपकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए ये दवा लाया। अब कैसी तबीयत है आपकी? आपने खाम खा तकलीफ की, दवा की कोई जरूरत नहीं थी। हर बीमार को दवा की जरूरत होती है। आप समझे नहीं राकेश बाबू, हर बीमारी एक जैसी नहीं होती। हाँ, अपनी अपनी समझ का फर्क है। रामू चाचा बोले आप एक बार मुझे देखना चाहती हैं, मेरी तरफ ना देखेंगी आप? मेरा ख्याल है बहुत अफसोस हुआ देखकर। मैं जीत सकाना तुमको इस बात का इतना गम है, मैं जीत सकाना तुमको इस बात का इतना गम है। इस गम से अगर घबरा के मर जाऊं भी मैं तो कम है। मैं शाम और सहर रोया हूं मगर बुझती नहीं ये चिंगारी। गुड आफ्टरनून मिस्टर राकेश। प्रिंसेस सविता देखनी है, आपके नाम ये खत भेजा। बहुत बड़ी पार्टी है आज आपका। नहीं मैं आज तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन फैंसी ड्रेस पार्टी में मैं क्या करूंगा? मिस्टर राकेश ऐसा मत कीजिए, आप तो सोसाइटी की जान है और प्रिंसेस सविता देवी अगर आप नहीं आएंगे तो बहुत आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बाय बाय। बाय बाय। अब्दुल्ला है अब्दुल्ला।
सिगरेट को छोड़ दिया था मेरे, अरे तूने मेरा दिल तोड़ दिया था, मेरे शहर को छोड़ दिया था। शहरों से क्या होता है, अब्दुल्ला तो है वो जाबाज, तू दुनिया भी छोड़े तो ये तारों से आए आवाज आया आया पे ये दिल करने कुर्बान आया जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने भी नहीं पहचाना था, पर उम्मीद थी कि शायद तुम पहचान जाओगे। मिसेस चारी, शादी मुबारक हो। लेकिन दुल्हन के कपड़ों के बजाय ये मातमी लिबास क्यों? अपनी अपनी तकदीर है। मुझे क्या पता था कि मैं डोली में नहीं अपने अरमानों की कब्र में पांव रख रही। ये लिबास उस दुल्हन का मातम है राकेश, जिसे तुम शादी की मुबारकबाद दे रहे हो। बहुत खूब, मैंने फिलॉसफी छोड़ दी तब आपको शौक हो गया। ऊंची ऊंची दीवारें, लंबे लंबे पर्दे, आलीशान महल, नौकर चाकर, डॉलर, सब खोखला निकला। राकेश दिल्ली कब आया? बहुत दिन हो गए। आप राकेश को जानते हैं? अच्छी तरह। शायद आपकी बीवी भी उसे अच्छी तरह जानती है। चारी साहब,
किसको ढूंढ रहे हैं आप? नहीं तो जी, यही तो मौका है बीवियों से दूर रहने का। आइए जज साहब, सीनियर एडवोकेट आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइए आइए ना। मुझे मिसेस चारी ना कहो राकेश, सुमित्रा कहो। वही अजंता की गुफाओं से चली आती हुई सुमित्रा। वो सुमित्रा मर चुकी है और वो राकेश भी। ऐसा ना कहो, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। चारी की हमदर्दी नहीं, दिल चाहिए, दौलत नहीं, प्यार चाहिए, बनावटी बातें नहीं। मुझे अफसोस है, अपने पति के प्यार के अलावा और कुछ मांगने का अधिकार आपको नहीं मिसेस चारी। राकेश, शादी का बंधन कोई नॉवल नहीं जिसे जब चाह बंद करके रख दिया और दूसरी कहानी या किताब शुरू कर दी। चलिए, मिस्टर चारी आपको बहाना देखकर परेशान होंगे। अब्दुल्ला, कहाँ थे तुम? यहीं, यहीं तुम्हारे दिल में। बड़े शैतान हो। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाऊं। Come on. Here's my wife. Here's Mr. Bharucha. Here's Mr. Mehra. Mr. Chari? Ji. Chari, my legal advisor. Mr. Rakesh, Karupati. Sun chuka. Mubarak. Badi khushi hui ki aap aakhir Karupati bani gaye. Oh, Mrs. Chari, Mr. Bharucha and Mr. Mehra. Aur main hu Mr. Vakil. Oh, I'm sorry. Come on, let's have a drink. Well, that's a good idea. तो आप भी दौलत की लपेट में आ ही गए? जी हाँ, सुन रखा था दौलत में बड़ी ताकत है। बेशक, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जो दौलत को पाने से पहले ही खो देते हैं। यही मैं मिसेस चारी से कह रहा था कि वह बहुत खुशकिस्मत हैं जो उन्हें आप जैसा पति मिला। शुक्रिया। खुशकिस्मती और बदकिस्मती एक ही सिक्के के दो रूप हैं। भाई हो, मियां वकील और बीवी फिलोसोफर। कुछ अजीब सी मिलावट है ना मिस सबीता। लीजिए मिस्टर राकेश, इसका रंग सफेद है, दिल की स्याही को धोकर रख देगी। मुझे शायद इसकी जरूरत नहीं। ओ, बहुत खूब, आपको यकीन है कि आपका दिल उजला है। चारी, वो दिल जो झूठ और बनावट की चादर में लिपटा हुआ है। मिस्टर चारी, याद कीजिए मिस्टर राकेश, ये वही दुनिया है जिससे आपको नफरत थी। है। गलत, दौलत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, है और रहेगी। आपको दौलत का घमंड है मिस्टर चारी, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आपकी दौलत आपके लिए प्यार के दो लफ्ज भी ना खरीद सकी। प्यार की दुनिया में आप एक भिखारी से भी बदतर हैं। हेलो डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। नहीं चाहिए। मुझे टोस्ट नहीं चाहिए, सार को दो। तुम नहीं, वर्स्ट इज नॉट। तुम जाओ, नौकरों का तो ख्याल कीजिए। आपको मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? ये मैं पहले ही जानता था कि राकेश के मिलने के बाद तुम ऐसी ही बातें करोगे। वो इतना ओछा नहीं जो मुझे उल्टी सीधी पट्टी पड़ा है। वो आप जैसा खुदगर्ज नहीं। पागल मत बनो समय, बाज़ औक़ात तुम अपने पागल बने में इतना भग जाती है कि ये नहीं समझ पाते कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार करता रहा हूं और प्यार करता रहूंगा। आप क्या प्यार करेंगे, आपको तो प्यार का मतलब ही नहीं मालूम। तुम फर्ज को प्यार पे कुर्बान कर देना ही मोहब्बत समझ, जो कि गलत है। राकेश ने सोसाइटी को धोखा दिया, इसलिए वो मुजरिम है। कानून कभी भी उसकी गर्दन पे हाथ डाल सकता है। नहीं, जी नहीं, तुम्हें भरे हुए के साथ दे रही हूं। हाँ,
क्योंकि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। आजा की तबीयत कैसी? कल आप कुछ कह भी नहीं चले। अब भी कुछ कहना बाकी? मैं तो दवा लाया था ताकि बंबई में आपने जो मेरी देखभाल की उसका बदला चुक जाए। कुछ कल चुका दिया और कुछ आज चुकाने आया। शायद फिर वक्त मिले ना मिले। जिंदगी से इतनी निराश न हुई? ये सब आप पहले भी कहते थे। आज फिर कहना चाहती हूँ। उस दिन आपने जो कुछ देखा और सुना। अच्छा मैं चलता हूँ, हर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ ये कुछ पैसे हैं, शायद जरूरत पड़े। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। रख लीजिए, है तो जुए और मकारी की कमाई, पर आप तो आदि हैं। आप मुझे बेइज्जत करने आए हैं। नहीं तो मैं सच ही तो कह रहा हूँ, ये है ही जुए और मकारी की कमाई। भला कब तक सच्चाई की फटी पुरानी चादर में पेवन लगाती रहेंगी आप? जब तक दुनिया को सच्चाई के हर एक धागे की कीमत पता नहीं चलती। सॉरी देर हो गई। घर चलो। बोलो मैच नहीं देखोगी? देख लिया। तो महिला सदन ने तुम्हें नौकरी के लिए मेरे पास भेजा? जी हाँ, आप महिला सदन के अध्यक्ष हैं, आपकी सिफारिश से नौकरी मिल सकती है। अच्छा किया उन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। मेरे पास ही रहोगी तुम। आपके पास? क्यों, डर लगता है? जी नहीं, इंसानों से बहुत बार धोखा खा चुके हैं इसलिए। आपके धोखा नहीं होगा अगर मेरी बात मानो तो। गुलाब सिंह, इसे सारा काम समझा दो। हेलो। बड़े संदिल हो अब्दुल्ला, किसी की नींदें चुरा कर खबर तक नहीं लेते कि बेताबी में उसका क्या हाल है। शायद इसी मौके पर किसी ने कहा है, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करो। कोई भी रंग कर दो पर मुझे सोने दो। ये रात कितनी तमन्नाएं साथ लाई है, गजब खुदा का सितमगर को नींद आ। बड़ी अच्छी नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ मैं भी सो जाता हूँ अपने अपने बिस्तर पर। नींद उड़ जाए तेरी।
शहर की मार्केट को हाथ में लेना है तो रुई, शकर, तेल, गेहूं और चावल को गोदामों में भरना होगा। जब मार्केट में इन चीजों की कमी होगी तब हम अपना माल मुंह मांगे दामों पर बेचकर करोड़ों रुपया पैदा कर लेंगे। गिव मी द किंग ऑफ द मार्केट। तो मैं ये समझू कि आप मेरे प्लान से सहमत हैं। मैं तो मम्मी से पूछ कर बताऊंगा। हम भी तैयार है। मैं भी तैयार ही हूँ। वेरी गुड, मैं माल कल ही खरीदना शुरू कर देता हूँ। क्या दोगे? मुझे फुर्सत नहीं है। हाबन सिपुर के श्लापन कूच 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 आपका क्या है? कूच। सरोज, मैंने कहा ना कि मुझे फुर्सत नहीं, अपना आप पहचानने की फुर्सत नहीं, लालच के किचन में धसने की फुर्सत है, निकलने की फुर्सत नहीं। सरोज, मगर ये न भूलिए कि आप भी किसी के कर्जदार हैं। उस कर्ज को चुकाने की फुर्सत आपको निकालनी ही होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जिसने आपको जन्म दिया उसका भी कुछ कर्ज है आप पर, जिसे अगर आज आपने न चुकाया तो जिंदगी भर ये मौका ना आएगा। आपकी माँ बहुत बीमार है। मेरी माँ यहाँ? जी हाँ, कई महीनों से। फुर्सत हो तो देखने आ जाइएगा। बेहोश है सूरज। राकेश बाबू, सदमा बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। भगवान सब भली करे। सदमा? जी हाँ, एक आपके बदल जाने का और दूसरा भले कैसा भी हो आखिर पति पति ही होता है। 6 महीने हो गए आपके पिता। सच्चाई के मुंह से पर्दा हटा देना कोई पाप नहीं था। आप उसे ढांक कर रखने के आदी। क्या आप उसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं लोगों को दिखाता फिरूं मैं एक साहूकार हूं, जबकि मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं।
क्या आप समझते हैं कि वो 2 लाख रुपए मेरी और आपकी होने वाली बहू की जिंदगी भर खुश रख सकेंगे? क्या ये प्यार और मोहब्बत से खाली ऊंची ऊंची दीवारें कैद नहीं बन जाएंगी उससे मेरे लिए? क्या माँ का ये हाल देखकर मेरी आंखें नहीं खुली? तो कर्ज की फिक्र में आज तक चैन की नींद नहीं सो सकी। नहीं पिताजी, मैं ये ढोंग नहीं कर सकता, मुझसे नाटक ना होगा। मैं सच्चाई से जीना चाहता हूँ पिताजी। मुझे पहचाना नहीं, मैं राकेश हूं, तेरा केश हूं। मेरा केशव तो जिस दिन सच्चाई के नाम पर घर छोड़ गया था, आज तक नहीं लौटा। मैं विधवा उसे खोजने आई थी, गली गली भटकी इस छोटे शहर की जगमग रोशनी में, मेरा लाल नहीं मिला, नहीं मिला। मैं तेरे पास हूँ माँ, तेरा लाल झूठ और मक्कारी के कीचड़ में धस गया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुझे इतने दुख झेलने पड़े। मुझे अपने दुखों का अफसोस नहीं, अफसोस तो सिर्फ अपने केशों के बदल जाने का। माँ, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज से मैं ईमानदारी की 2 रोटियां कमाऊंगा, सच्चाई के पथ पे चलूंगा। तू कपूत हो जाते हैं पर तू तो माँ है। मुझे माफ कर दे, मुझे अपना ले माँ, मुझे सारी दुनिया ने ठुकरा दिया। अगर तूने भी ठुकरा दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा माँ, मैं अपनी जान दे दूंगा। तेरी आई मुझे आ जाए। आपके राकेश ने अपना सारा कारोबार चौपट कर दिया, न जाने अपनी दौलत क्यों शेयर बाजार में लुटा दी, दिवालिया हो गया, भिखारी बन गया भिखारी। कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं उसे पैसों की कोई तकलीफ नहीं होगी। मिस्टर चारी को भेज दीजिए। अपनी सारी जायदाद अपने होने वाले पति श्री राकेश कुमार आनंद के नाम पर। आप वक्ती तौर पे इस फैसले पे पहुंच गए, अगर आप इत्मीनान से इस बारे में कुछ और गौर कीजिए तो मुझे यकीन है कि आप जान जाएंगे कि जो आप कर रही हैं वो सरासर गलत है। राकेश के नाम जायदाद करना कोई गलती नहीं, मैं उससे शादी कर रही और मेरे होने वाले पति के नाते उसी मेरे जायदाद का हकदार होना ही चाहिए। आप सही फरमाती हैं, पति को बीवी की जायदाद का हकदार होना ही चाहिए, लेकिन राकेश को आप अभी तक अच्छी तरह से जानती नहीं। हाल ही में वो कॉरपोरेशन में अपना सारा पैसा खो बैठा है, हो सकता है हालात की मजबूरी की वजह से उसने शादी की ठान ली हो। मैं उसकी गुजरी हुई जिंदगी को अच्छी तरह, उसकी गुजरी हुई जिंदगी से मुझे कोई वास्ता नहीं। मौजूदा जिंदगी मेरी देखी भाली है और उसकी आने वाली जिंदगी मेरी मुट्ठी में। राकेश की जिंदगी किसी की मुट्ठी में। मिस्टर चारी, आप ये मत भूलिए कि आप सिर्फ मेरे लीगल एडवाइजर हैं, कोई गार्डियन नहीं। जैसे आपकी मर्जी, राय देना मेरा फर्स्ट। यंग लेडी, ए गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेयर इज दैट क्रूक बांकेलाल? ड्राइंग रूम में हाजिर है, आफ्टर यू। गुड मॉर्निंग। ठीक है, कहिए जायदाद के बारे में क्या सोचा आपने? जी मैं इसलिए तो हाजिर हुआ,
और ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर इन कानूनी कार्रवाई की क्या जरूरत है। इंसान से गलती होती है, मुझसे भी हो गई होगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी जायदाद की कीमत के एक पाई चुकाने के लिए तैयार हूँ। कीमत कुछ नहीं, मुझे जायदाद चाहिए, रुपया नहीं। ठीक है, आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए, मैं जायदाद वापस कर दूंगा। मिस्टर बांके, मुकदमा तब वापस लिया जाएगा जब जायदाद के कागजात मेरे हाथ में होंगे, और इसके लिए मैं आपको 3 दिन की मोहलत देती हूँ, वरना फिर आपकी कोई सुनवाई ना होगी। और फैसला अदालत में होगा। मैं इसे फैसला समझूं या धमकी? ये आखिरी और अटल फैसला है। मिस्टर बांकेला, दरअसल बात यह है कि मिस सबिता शादी करना चाहती है। उनकी ख्वाहिश है कि उनकी सारी जायदाद उनके होने वाले शोहर मिस्टर राकेश के नाम कर दी जाए। राकेश? तो क्या ये वही राकेश है जो बॉम्बे में हुआ करते थे? जी हाँ। राकेश जैसे दगाबाज का यही हाल होना चाहिए। क्यों? मुझे उसके भिखारी बन जाने की बहुत खुशी है। उस जैसे फ्रॉड को फल मिलना ही चाहिए था। सबसे धोखा, एक दूसरे में दर्द का चक्कर, दूसरे में से चारी से छुप छुप के मुलाकात, फिर से सविता से शादी का चक्कर, लिल्ली किटी और रीटा के जो लफड़े हैं वो सब अलग। उसकी अच्छाई ही सबको उसके नजदीक खींच लेती है, तुम क्यों जलते हो? अच्छाइयां? मेरा बस चले तो ऐसे आदमी को गोली मार दो। अभी बहुत बेवकूफ हो, जो मुंह में आकर दम देते हो। इन हालात में मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। रेनू, रेनू, रेनू मेरी बात तो सुनो। रेनू उसमें माची साहब के पास? नहीं, मैं ले सकता। थैंक यू, बड़ा खूबसूरत लाइटर। मैं तो डरी गया था शायद आप गोली चला रहे हैं। गोली चलाता तो आप अपने आप को संभाल ना पाते। मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। बड़ी खुशी आपसे मिलकर, क्योंकि हम दोनों अच्छे निशानेबाज हैं और दोनों ही राकेश को जानते हैं। मिस्टर बॉबी, मेरा ख्याल है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सच्चाई सच्चाई रखने से इंसान सच्चा नहीं हो जाता। सच्चाई ये है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। सच्चाई ये है कि तुम अब तक उसे प्यार करते हो, और सच्चाई ये भी है कि वो भी अभी तक तुम्हें प्यार करते। वरना मेरी बीमारी का खर्चा उठाने के लिए वो राजकुमारी के यहाँ जाकर नौकरी न करती। राजकुमारी? कौन? सविता? हाँ, सविता। हेलो, हेलो राकेश साहब। जी हाँ, मैं कैसनोवा बोल रहा हूँ। कैसनोवा, प्रिंसेस सबिता ने आपको बहुत दिन से नहीं देखा, कहा है। सुनो कैसा हुआ, क्या सरोज है वहां? जी हाँ, यही है। अच्छा, मैं भी आया। बहुत अच्छा। काम प्लान के मुताबिक और होशियारी से होना चाहिए। ठीक 9 बजे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सरोज, ये मैं खूब जानती हूँ कि तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हो। विश्वास कीजिए, और कोई वजह नहीं सिवाय इसके कि माँ जी अब ठीक हो गई हैं और मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। या यूं कहो कि राकेश की माँ की देखभाल करके तुमने राकेश पर एहसान किया, उसके बदले में तुम उसको हासिल करना चाहती हो? नहीं, ये बात नहीं। मुझे बांके लाल ने सब कुछ बता दिया है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने राकेश को सोसाइटी में जगह दी, मैंने उसका सारा कर्ज अपने सर लिया। वो जैसे भी मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुमने उसके लिए क्या किया? यही ना, बॉम्बे में उसके जज्बात से खेलती रही, उसे बेइज्जत करवाया, और फिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम उसके पीछे यहां तक आ पहुंची। मैं इसलिए जाना चाहती ताकि आप दोनों के दरमियान कोई ना रहे। तो फिर दिल्ली क्यों आई? इसलिए कि आज नौकरी छोड़कर राकेश और मुझ पर एक और एहसान करो। ये जाहिर करो कि तुम राकेश के लिए कितनी मुसीबतें झेल रही हो। ये सिर्फ आपका अपना ख्याल है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें असली रूप में देख लिया। मुझे उम्मीद न थी कि दौलत के नशे में तुम इतनी गिर जाओ। ये बात नहीं राकेश, तुमने तुमने मुझे गलत समझा है। सफाई देने की जरूरत नहीं,
मैं सरोज को लेने आया। सरोज को? सरोज मेरे यहाँ से नहीं जा सकती, वो मेरी बुला दी। सरोज, सरोज, नहीं राकेश, तुम सविता को इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। राकेश, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैं तुम्हारे एक इशारे पे अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार हूँ। गलतफहमी में मुब्तला हो सविता, राकेश आज तक नहीं दिखा और उसे खरीदने की ताकत अब तुम में नहीं है। वो राकेश मर चुका जो अपना यकीन खो बैठा था, जो हार चुका था और मायूस होकर दौलत की पूजा करने लगा। लेकिन राकेश, मैं अब तक तुम्हारी पूजा करती हूँ। ये तुम्हारी बदकिस्मती है, हट जाओ। राकेश, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया है, मेरी इज्जत को यूं मिट्टी में मिला के ना जाओ। राकेश, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुमने एक गुनाहगार के गुनाहों से प्यार किया। राकेश, नहीं राकेश, अगर तुमको जाना ही है तो मेरी लाश पर कदम। ये तुमने क्या किया? किसी के खून का इल्जाम तुमने अपने सर क्यों लिया? खून मैंने ही किया है राकेश बाबू। अगर ये सच है तो क्या वो झूठ था जिसे मैंने बाग पर से भागते हुए देखा, उसका पीछा किया और इसी कश्मकश में नौकरों ने मुझे खूनी समझकर पकड़ लिया? क्या कह रहे हो? आप उसका पीछा करने भागे थे? हाँ? लेकिन मैं समझी कि खून मैंने किया, शायद इसलिए मुझे बचाने की खातिर तुमने। भगवान को यही मंजूर था राकेश। नहीं, नहीं सरोज, तुम्हें भगवान की सौगंध, अपनी सच्चाई की कसम, अदालत में इस झूठे जुर्म का इकरार न करना, वरना मैं तुम्हारे बगैर जी न सकूंगा। सरोज, सरोज मान जाओ, मैं तुम्हें कानून के पंजों से छुड़ा लूंगा, इंसाफ की बुनियादें हिला दूंगा तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए। सरोज, मान जाओ। ओ बाके बाबू, क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो कल रात मैं यहां आया था ना इंस्पेक्टर से मिलने, तो मेरी चाबी यहीं कहीं गिर पड़ी थी। ओ कोई बात नहीं बाबू, मैं ढूंढ रखूंगा। हाँ, अगर तुम्हें मिल जाए तो अपने पास रख लेना। ये क्या बाबू? बीड़ी के लिए, बीड़ी के लिए। दस रुपए की बीड़ी? माना कि मैं सरोज को गोली चलाते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन कत्ल के सब इरादे, सब वाकया मिस सरोज की गुजरी हुई जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। जब कोई किसी से प्यार करता है, मर्द हो या औरत, और अगर दूसरा उस प्यार को छीनने की कोशिश करे तो लाजिम है कि जलन की आग इंतकाम की सूरत अख्तियार कर ले।
मिस सरोज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो मिस्टर राकेश और मिस सविता की शादी को बर्दाश्त न कर सकी। मिस सविता को अपने रास्ते से हटाने का इरादा किया और 19 दिसंबर की रात को उनका खून कर दिया, जिसका सबूत वो पिस्तौल है जो अदालत में मौजूद है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर मिस सरोज की उंगलियों के निशान पाए गए। मिस सरोज, सरकारी वकील के लगाए हुए इल्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्या आप अपने जुर्म का इकबाल करती हैं? नहीं, खून मैंने नहीं किया। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर कैसनोवा, असल की रात को जब मिस सरोज ने अपने जुर्म का इकरार किया तो क्या आप वहां मौजूद थे? जी हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपने उनके हाथ में क्या देखा? जी, उनके हाथ में साड़ी का पल्लू था। मेरा मतलब है पिस्तौल था, पिस्तौल। सॉरी योर ऑनर। मिस्टर कैसनोवा, मिस सरोज ने उस रात को क्या कहा था? के खून मैंने किया। आपने अपने कानों से सुना था या बाद में किसी और से? देखिए ना वकील साहब, ना आप वहां मौजूद थे ना मैं। आपने सुनी सुनाई बात पर मुकदमा चला दिया और मैंने गवाही दे दी। थैंक यू। राकेश से मोहब्बत होते ही इसने मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, हालांकि मुझे इसकी निजी जिंदगी से दूर तक का वास्ता नहीं। मैंने तो जो कुछ किया इसकी भलाई के लिए किया, और इसने इसने तो एक बार मुझे और राकेश को लड़वा तक। वो तो हुजूर मेरी किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई, वरना 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 शायद इसके कहने से राकेश मुझे जान से। आपका मतलब है कि मिस सरोज में पहले से ही एक कातिल के जरासीम मौजूद थे? जी। क्या आपके ख्याल में मिस सरोज प्रिंसेस सबीता का खून कर सकती हैं? बिल्कुल। राकेश से मोहब्बत तो प्रिंसेस सबीता से जलन लाजमी है। हुजूर, मैं तो इसके हाथों से बच निकला, लेकिन बेचारी प्रिंसेस सबीता। मिस्टर बांकेलाल, क्या प्रिंसेस सबीता ने हाल में आप पर कोई मुकदमा दायर करने का फैसला किया था? जी जी हाँ, किया था, लेकिन वापस लेने की बातचीत भी तय हो चुकी। वो क्या मुकदमा था? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, उस मुकदमे का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। नो क्वेश्चन योर ऑनर। आप मिस सरोज को जानते हैं? जी हाँ, वो एक बार कॉर्पोरेशन में आई राकेश की माँ की बीमारी की खबर देने। तो इसका मतलब है वो एक रहम दिल औरत है? जी हाँ, और शरीफ भी। यो विटनेस मिस्टर चारी। मिस्टर चंद्र खन्ना, कॉर्पोरेशन से पहले आप कभी मिस सरोज से मिले थे? जी नहीं। उसके बाद? जी नहीं। तो फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि वो रहम दिल होने के बावजूद एक शरीफ औरत भी है? जी, राकेश जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो लड़की शरीफ ही होती। बहुत हो। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, एक लड़की और भी है जिससे राकेश मोहब्बत करता था, और वो लड़की बहुत शरीफ। कौन है वो? आपकी बीवी। अगर ये अपना भला सोचती तो आज ये सच्चाई की देवी इस कठेरे में न होती। That's all your honor. राम प्रसाद जी, आपने मिस सरोज को सच्चाई की देवी का खिताब दिया है, इसलिए ये जरूरी हो गया है कि आपसे एक सवाल किया जाए। मिस सरोज ने दो बयान दिए, एक पुलिस के सामने और एक अदालत में। पुलिस के सामने मिस सरोज ने इकरार किया है कि खून उन्होंने किया है, लेकिन अदालत में उन्होंने बयान दिया है कि खून उन्होंने नहीं किया। जाहिर है कि ये दोनों बयान एक ही आदमी के मुंह से सच नहीं हो सकते। आप खामोश क्यों हो गए राम प्रसाद जी? कहिए, इन दोनों बयानों में से कौन सा बयान सच्चा है? मुझे अफसोस है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।
प्रिंसेस सविता सरोज और मेरी मोहब्बत के बारे में जान चुकी थी। मैं सरोज को लेने गया था, वो रोकना चाहती थी, सरोज को मुझसे अलग करना चाहती थी। फिर सरोज अपने कमरे में जा चुकी थी, मैं उसके पीछे जा ही रहा था कि गोली चली। उसके बाद प्रिंसेस सविता लहूलुहान सीढ़ियों पर चढ़ गई। यानी उस वक्त मिस सरोज हाल में नहीं थी, लेकिन नौकरों के बयान के मुताबिक गोली चलने के बाद हाल में सिर्फ मिस सरोज और प्रिंसेस सविता की लाश ही थी। नौकर झूठ बोलते हैं। गोली चलने के बाद हॉल में मेरे और प्रिंसेस सविता की लाश के अलावा एक और आदमी भी था। कौन था? एक साया जो खिड़की से बाग की तरफ भाग गया। आपने उसे देखा? जी, मगर पहचान ना सका। उसका पीछा करने के लिए मैं फौरन बाग की तरफ भागा, मगर नौकरों ने मुझे पकड़ लिया। और तब तक सरोज ने भी यह समझकर कि खूनी मैं हूं, पुलिस के सामने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। That's all, Your Honor. मिस्टर राकेश, आपकी कहानी काफी दिलचस्प है, और खासकर वो फर्जी किरदार तो बहुत ही दिलचस्प है जिसे दूसरे गवाह तो नहीं देख पाए, लेकिन जिसे सिर्फ आपने बाग की तरफ भागते हुए देख लिया। ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा, वरना बाग की तरफ क्यों भागता? ठीक है, वरना आप बाग की तरफ क्यों भागते? सोचने की बात है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम उस फर्जी किरदार को आपकी कहानी से अलग कर देते हैं और देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। सीधी सी बात है, आप बाघ की तरफ भागे और नौकरों ने आपको खूनी समझकर पकड़ लिया। जी हाँ। और अगर फर्ज कर लें कि उन्होंने ठीक ही समझा था तो? जी जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने वो शायद देखा है, जरूर देखा है। मिस्टर राकेश, अगर आपकी बातों पर एतबार किया जाए तो ऐसे मालूम होता है कि मिस सरोज और वो फर्जी किरदार एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो कैसे? मिस सरोज के हाथ में वो पिस्तौल कैसे आया? या तो फर्जी किरदार ने उसे दिया, या फर्ज कीजिए कि आप बाग की तरफ भागते हो तो हॉल में भूल गए। नहीं, मिस सरोज ने आपको खूनी समझकर पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया और पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। आप ठीक है। मुलजिमा की जहनी हालत को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई को 2 दिन के लिए मुलतवी करती है। तो ये भागे बाबू? अरे राकेश बाबू, राम राम। क्या आपका भी कुछ खो गया है? नहीं तो क्या भागे बाबू का कुछ खो गया था? हाँ, चाबियां। चाबियां? शायद वो चाबियां ही। क्या बाबू? मेरा मतलब है वो चाबियां हैं बहुत जरूरी। कहाँ खोज रहे थे वो? बस यहीं कहीं खोज रहे थे। आओ तलाश करें। माली, माली, कौन है भाई? बांके। ओ, मिल गया। मेरा मतलब चाबियां मिल गई? नहीं बाबू, मगर एक पिस्तौल मिला। मिल गया ना? आपका तलाब। मेरा कौन मिला? संभाल के रखा। हाँ बाबू, राजकुमारी जी के कमरे में, मेज की दराज में। मेज की दराज में? अच्छा, मगर बाबू कमरे में तो ताला लगा हुआ है। बख्शीश, बख्शीश। हाँ, ये लो, चलो। किससे कुछ कहना नहीं। नहीं बाबू। आज तुम्हारा वाटरलू आ गया।
की जायदाद का केयर टेकर था, जाली दस्तखत करके उनकी तकरीबन सारी जायदाद अपने नाम करवा चुका था। उन्हीं दिनों प्रिंसेस ने राकेश से शादी करने का इरादा किया। वो अपनी सारी जायदाद राकेश के नाम करवा देना चाहती थी। मुझसे कागजात मांगे गए, मैंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझ पर मुकदमा दायर करने का फैसला किया और इस सिलसिले में मुझे 3 दिन की मोहलत दी गई। अब प्रिंसेस की जबान हमेशा के लिए बंद कर देने के सिवा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं। दूसरे ही दिन मेरी मुलाकात बॉबी से हो गई। बॉबी रेनू से इश्क करता था और रेनू राकेश को देवता मानती थी। हालात का फायदा उठाकर मैंने बॉबी को राकेश का खून करने पर तैयार कर, हालांकि मेरा मकसद प्रिंसेस सबीता की जान देना था। इसलिए कत्ल की रात मैं भी प्रिंसेस सबीता के घर पर पहुंचा। बोली भाभी ने नहीं, मैंने चलाई थी, लेकिन वो ये समझा कि उसने चलाई, वो भागा। मैंने पिस्तौल हॉल में फेंक दिए ताकि सरोज और राकेश में से कोई एक खूनी करार दिया जा सके, लेकिन मेरा पिस्तौल भाभी ने गुमा दिया, जिसकी परेशानी और खौफ ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। तो भी मुझे कोई गम ना, पर मैंने पिस्तौल कमरे में फेंक दिया ताकि राकेश या सरोज गिरफ्तार हो जाए। योर ऑनर, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूं। अदालत मिस्टर बाघेलाल को फैसला सुनाने से पहले मिस सरोज को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू मिस्टर चारी, आइए, कोई इंतजार कर रहा है आपका।
मिसेस चारी, ये हैं मिस्टर चारी मेरे दोस्त। मिस्टर चारी, ये है मिसेस चारी मेरी भाभी। हेलो सनी। मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं। कुछ मुझसे और कुछ मुझसे, इसीलिए तो हम इंसान कहलाते हैं, वरना खुदा होते। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं इंसान की। आओ बैठो। राकेश, हम तुम्हारी शादी की दावत का इंतजार करें। शादी? सफर कट जाएगा,